देखिए 4.14 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्वाइल्स हैं एक्स और वाई। डायग्राम तो एनसीईआरटी में बनानी है, 4.14 में डायग्राम बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। तो कह रहे हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्वाइल्स हैं एक्स और वाई ऑफ रेडियाई 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फिलहाल दो क्वाइल का रेडियस लिखते हैं। एक का रेडियस R1 है 16 सेंटीमीटर बोले तो 10^-2 मीटर, और दूसरी की रेडियस 10^-2 मीटर। ये आपका रेडियाई दी हुई है इन द सेम वर्टिकल प्लेन, एक ही वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। कंटेनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी ऐसे ही क्वाइल रखी हुई है, यानी जो क्वाइल रखी हुई है, कहाँ गई क्वाइल? नहीं, क्वाइल हम रखे थे ना अपने ड्रॉअर में, हाँ कोई उठा तो नहीं ले गया, नहीं ले गया। ये क्वाइल है तो एक तो ऐसे रख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे रखी हुई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्वाइल ऐसे रखी हुई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये क्वाइल ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। फिर बाद में बात करते हैं क्या क्या गिवन है, नोट कर लेते हैं। क्वाइल एक्स हैज़ 20 टर्न्स, तो जो कि एक्स को हमने R1 माना है, तो एक्स के लिए हम N1 का इस्तेमाल करेंगे। N1 कितना है? 20 टर्न्स है। और क्वाइल वाई हैज़ 25 टर्न्स, यानी N2 कितना दिया है? अभी हमने ये नहीं सोचा है कि क्या पूछ रहा है, केवल आप पढ़ते जाओ क्या गिवन है, वो बाद में दिमाग लगाएंगे कि क्या वो पूछ रहा है, ठीक है। वाई हैज़ 25 टर्न्स कैरिंग द करेंट ऑफ 18 एम्पियर, और इसमें 16 एम्पियर की करंट है, पहले में 16 एम्पियर है ना। क्वाइल एक्स में कितनी करंट है? क्वाइल एक्स है 20 टर्न्स कैरिंग द करेंट ऑफ 16 एम्पियर, यानी I1 जो है ना वो 16 एम्पियर है, और I2 कितना है? 18 एम्पियर है, ये करंट दी हुई है। अच्छा, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कहते हैं द सेंस ऑफ द करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वाई इज क्लॉकवाइज, यानी एक्स में जो I1 है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, ठीक। देखते हैं क्या होगा। फॉर द ऑब्जर्वर लुकिंग एट द क्वाइल फेसिंग वेस्ट, यानी ऑब्जर्वर का जो कहते हैं जो ऑब्जर्वर जो फेस कर रहा है वो वेस्ट की तरफ फेस से देख रहा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ज़रा समझने की कोशिश करो। पहली बात तो क्वाइल ही बनाने में हमारे पसीने निकल आएंगे, नहीं मतलब वो 3D बनेगी ना क्वाइल। अब देखिए, क्योंकि या तो हम नॉर्थ साउथ ऐसे बनाते हैं, ऐसे क्वाइल, क्वाइल को हमने इस तरीके से बनाया है। बड़ी क्वाइल कौन सी है? पहली वाली। छोटी क्वाइल है दूसरी वाली। तो ये क्वाइल ये हमने बनाई, ऐसे क्वाइल बनाई हमने, ठीक है, और एक क्वाइल हमने ऐसे बनाई है। ज़रा देखिए ध्यान से, ये जो क्वाइल हम बना रहे हैं तो ये तो कुछ 3D है, अपने हिसाब से आप समझिएगा। ये जो क्वाइल हम ऐसे बना रहे हैं ना, ये फेस उठ के आपके सामने आ रहा है और ये फेस पीछे की तरफ है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। अंदर वाली क्वाइल, बाहर वाली क्वाइल कैसी है? एक्स क्वाइल है। अंदर वाली क्वाइल कैसी है? वाई क्वाइल है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है? I1 बोले तो बड़ी वाली क्वाइल में करंट कितनी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स में करंट एंटी क्लॉकवाइज बना दीजिएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज बोले तो करंट ऐसे फ्लो कराएंगे, ठीक है। अजरा ध्यान से समझिएगा, हमने कहा ये क्वाइल बनी कैसी है, ये वाला जो फेस है वो पीछे की तरफ है और ये वाला फेस आगे की तरफ है, तो करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रही है भाई, ऐसे तो करंट बाहर निकल के आ रही है आपके सामने, तो अगर ऐसे करंट आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है कि आप करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगली, राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करिए, जिधर आपका थंब जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा टुवर्ड्स ईस्ट। समझ में बात आई नहीं आई? तो आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स क्वाइल, एक्स क्वाइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। किसी क्वाइल के सेंटर पर, किसी क्वाइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द क्वाइल एट दियर सेंटर, उसके सेंटर पे निकालना है। किसी क्वाइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है साहब, बताएं? किसी क्वाइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है?
सब बता दो, बिकॉज चूज द करेक्ट आंसर। म्यू नॉट एन आई जो बता रहे हैं सोलेनाइड के सेंटर पे होता है, किसी क्वाइल के सेंटर पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? एन आई ए बी, ए बी क्या होता है? वही हमने कहा सब, हाँ बताएं, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, सही बोला इन्होंने। तो ये हो जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट, एन बोले तो एन वन, आई बोले तो आई वन, टू आर बोले तो आर वन। ये मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स एक्स की वजह से निकला। जरा ये बता सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा? ये करंट ऐसे बाहर, देखिए ये क्वाइल हमने जो रखी हुई है, तो ये क्वाइल ऐसे रखी हुई है ना, ये तो ये आपका करंट ऐसे अंदर गई है, ये बाहर निकल रही है। आपका अंगूठा किधर है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? टूअर्ड्स ईस्ट। क्या होगी? टूअर्ड्स ईस्ट। तो ये आपने एक्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना। जरा वाई पे आते हैं। वाई पे करंट कैसी है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज बोले तो ये करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में आपको ऐसे उंगली करना पड़ेगा, तो अंगूठा किधर जा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, लिखिए एट द सेंटर ऑफ एक्स, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एक्स, सेंटर ऑफ एक्स, एक्स के सेंटर पे निकाला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वाई, एट द सेंटर ऑफ वाई, बी वाई मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट एन टू आई टू अपॉन टू आर टू। डायरेक्शन क्या निकल रही थी? ये करंट ऐसे अंदर जा रही है ना, ये तो ये आपका अंगूठा किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में, टूअर्ड्स वेस्ट, टूअर्ड्स वेस्ट। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, प्लस या माइनस? एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक उल्टा है, माइनस। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि आपको देखना पड़ेगा ना कि किसमें कौन वैल्यू ज़्यादा है, ये हमको नहीं मालूम, हमने कैलकुलेट फिलहाल नहीं किया। तो या तो सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा, सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें आया हुआ है, वाई का ज़्यादा आ रहा है। अब मान लिया आपने नहीं कैलकुलेट किया, आप चाहते हैं कि फाइनली हम बाद में कैलकुलेट करें, तो बाद में करने के लिए वैल्यू क्या करोगे? बाद में रखोगे। अब मान लिया आपने एक्स को ज़्यादा मान लिया, और वैल्यू क्या निकली? बी एक्स माइनस बी वाई। और आपने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन आ गया नेगेटिव, तो क्या फिर काटोगे उसको? फिर आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि बी वाई विल बी मोर, सो डायरेक्शन विल बी दिस। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे? बी वाई माइनस बी एक्स। आप इसको चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने नहीं किया कैलकुलेट। तो जब वैल्यू रखोगे तो क्या कॉमन दिखेगा आपको? म्यू नॉट कॉमन दिखेगा, टू कॉमन दिखेगा। यहाँ क्या आएगा? एन टू आई टू अपान आर टू माइनस एन वन आई वन अपान आर वन। अगर किसी वजह से ये वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाए, तो आप काटेंगे नहीं, पूरा आंसर निकालेंगे, निगेटिव में आंसर निकालेंगे, फिर नोट करके लिख देंगे कि नेट मैग्नेटिक, इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? वेस्ट। वाई किधर है? वेस्ट है ना, तो वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो आप क्या कर लिखेंगे? टूवर्ड्स ईस्ट लिख देंगे अगर निगेटिव आता है। तो इसको ज़रा कैलकुलेट करिए। तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? फोर पाई इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन अपान टू। वैल्यू रख दो, एन टू की वैल्यू कितनी है? पच्चीस इंटू आई टू की वैल्यू कितनी है? अट्ठारह अपान आर टू की वैल्यू कितनी है? टेन टू पावर माइनस वन, चलेगा? माइनस एन वन की वैल्यू कितनी है? बीस इंटू आई वन की वैल्यू कितनी है? सोलह अपान आर वन की वैल्यू कितनी है? 16 इंटू टेन पावर माइनस टू। अब इसको आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.6 इंटू टेन पावर माइनस थ्री टेस्ला है। क्या दिक्कत है अगर 1.57 को मैं राउंड अप करके 1.6 लिख दूँ?